हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4.6 एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस चैप्टर के अंदर से, और इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में। तो हम इस पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, गहराई से जानेंगे होता क्या है, उसका यूज़ कैसे करेंगे। 4.6 की हम बात करेंगे आज। दो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो आपने भी जैसे पढ़ा था क्लास टेंथ में, टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस, ठीक है, जहां पे कुछ ना हो आप इसे एक्स और वाई मानते थे, दो इक्वेशन बनाते थे और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते थे, तो आप बताते थे कि सर एक्स की वैल्यू ये आई है, वाई की वैल्यू ये आई है, चैप्टर नंबर 3, ठीक, ऐसे ही करते थे आप। बस वही बात यहाँ भी है, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी जाएगी, वो इक्वेशन दो भी हो सकती है, तीन भी, ठीक है, और वो दो वेरिएबल में भी हो सकता है और तीन वेरिएबल में भी हो सकता है। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, और कौन से, इसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये बात समझना है। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इसी पर रहने वाला है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, सपोज जैसे मान लो लेट प्राइस ऑफ एप्पल 1 kg, अपने से क्या मान लिया एक्स, और प्राइस ऑफ बनाना, या बनाना मत लिखो, ऑरेंज कर देते हैं वाई, ठीक है। आपने क्या किया बच्चों, 4 किलो एप्पल खरीदे, 2 किलो बनाना खरीदे, तब जाके अपने 200 रुपये किए, हाँ या ना। मैं अमाउंट अपने मन से लिख रहा हूँ, 6 किलो आपने एप्पल खरीदे और 8 किलो ऑरेंज खरीदे 500 रुपये में, जो भी होगा इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, बस मैंने अपनी इक्वेशन में लेट करी। एक इक्वेशन आपने बच्चों इसे बनाई और एक इक्वेशन आपने इसे बनाया, ठीक है। क्या हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एप्पल का प्राइस 1 kg का और ऑरेंज का प्राइस 1 kg नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। मुझे दोनों को सॉल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बस वो समझना है। इस बार क्लास टेंथ का लॉजिक नहीं लगने वाला, क्या लगेंगे हम, डिटरमिनेंट्स का यूज़ करेंगे। पहली बार एक बात बताओ, यहाँ पर देखना एक्स के साथ क्या है, 4, वेरी गुड। वाई के साथ क्या है, 2। पहली इक्वेशन में एक्स के साथ क्या, वाई के साथ क्या, उसे मैंने फर्स्ट रो में लिखा 6, यहाँ पर क्या है बच्चों 8। यहाँ से एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, उसे नाम क्या देंगे, ए। क्या नाम देंगे, ए। अब बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, ये कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स, हाँ या ना, चेक करो, ठीक है। अगर मैं 4, 2, 6, 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स और वाई से, तो मेरा क्या आंसर आया, 200 और 500, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने देखा कि भैया ये मल्टीप्लाई तभी हो पाता है जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, हाँ या ना। तो बेटा इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर 2 रो होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, 2। तो x और y एक यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, ताकि 2 रो बन सके और एक कॉलम बन सके। और आपने चेक करा होगा कि सर ये आंसर भी किस फॉर्म में आता है, जो बचा हुआ 2:1, ठीक है। तो ये जो बना है ना बेटा, इसका क्या नाम देंगे, कैपिटल X। ये A मैट्रिक्स, ये कैपिटल X मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 200 और 500। ये किस फॉर्म में होगा बचे हुए आंसर में, 2:1, तो 2 × 1। उसको क्या नाम दोगे आप, B मैट्रिक्स। क्या नाम दोगे, B। तो अपने एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर AX इज इक्वल टू B, और X का मतलब क्या हो जाएगा फिर यहाँ बच्चों, A इनवर्स B, हाँ या ना। अगर मैं A का इनवर्स निकाल लूँ और उसे B से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मेरे पास X नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। बस ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड रहने वाली है, इन्हीं तरह की बातें करेंगे। अब A का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आपको मैंने इसे पहले वीडियो में करवाया है, टॉपिक करवा रखा है, आपने समझा कि सर A इन्वर्स होता क्या है, कोई डाउट बटन मन में यहाँ तक नहीं है। अब वो कई बार क्या होता है, आपने क्लास टेंथ में ही पढ़ा था कि आपने कहा कि सर कई बार तो आते हैं एक सोल्यूशन, यूनिक बोल लो उसे आप, और कई बार बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, उसे मैनी सोल्यूशन बोलते हैं, है ना।
क्लास टेंथ में पढ़ा था मैंने, सोचिंग करनी देखो एक जब क्या पढ़ा था, ए वन अपॉन बी ए टू डज नॉट इक्वल पी वन अपॉन ए बी टू, देयर फॉर ओनली वन सोल्यूशन। और जब तीनों इक्वल हो, ए वन अपॉन ए टू इक्वल पी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, तो क्या बोलते हैं हम, मैनी सोल्यूशन, मतलब एक्स की जितनी वैल्यू आप रख दोगे वाई के उतने ही ज़्यादा मान आते चले जाएंगे। तो क्या कहीं आपने मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर ऐसा कुछ यहाँ पर भी होता होगा? बिल्कुल होता है, ठीक है। पहली बात, जैसा आपने वहाँ सीखा वही बात आपने यहाँ भी सीख ली, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम तरह तरह की हम बातें डिस्कस करने वाले हैं जो ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट केस, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसमें डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं आता, उसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? तो अगर ए का डिटरमिनेंट करने पे वो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करें बच्चों, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बार। और इसे हम क्या नाम देंगे, कंसिस्टेंट। क्या नाम देंगे, कंसिस्टेंट। और यहां पर लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक को आप एक नाम और भी जान सकते हो, वन सॉल्यूशन। करेंगे तरह तरह की बातें, क्वेश्चन करेंगे तो आपको फील होगा। ये बात समझ आई बेटा, केस वन, ये केस वन, केस टू, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो। जब बेटा जब वो डिटरमिनेंट ए ही जीरो आ गया तो अब एडजॉइंट आप कैसे निकालते थे, याद करो, सॉरी ए इनवर्स कैसे निकालते थे, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। जब बेटा डिटरमिनेंट ए ही जीरो आ गया तो क्या ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है? हाँ, है ना। अब आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा क्या वो जीरो के इक्वल है। अगर जीरो इक्वल है तो क्या लिख देना पड़ेगा आपको बेटा, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन, उसे क्या नाम देंगे, कंसिस्टेंट। हाँ भाई, समझ में आया लॉजिक। पहले ये चेक करेंगे, ये अगर जीरो के इक्वल आ गया तो रुकना नहीं है, आगे चलना है, एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए निकाल के उसे किस मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाले से। और अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो समझ जाना क्या लिख देंगे, मैनी सॉल्यूशन। केस नंबर थ्री, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, वो तो चलो जीरो आ गया। देखो बेटा यहां भी जीरो आ रहा है, यहां भी जीरो आ रहा है, हम आगे गए, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आता है तो मैनी सॉल्यूशन, और अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो कर देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं है जब एडजॉइंट ए और बी जीरो इक्वल नहीं आ रहा है। और यहां पे क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट, इन कंसिस्टेंट, कोई डाउट बटा मन में? तो अगर जीरो इक्वल आ जाए तो आगे केवल एक बार जाना होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी कर दो, इक्वल जीरो है तो मैनी सॉल्यूशन, इक्वल जीरो नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई याद रहेगा आपको। जितने भी क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे या आगे करोगे तो आपको इस केस का मिलने वाला है जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जिसमें अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? इसे कॉपी करो, फिर आकर डिस्कस करते हैं।